अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं वो है अपना जेनेटिक्स यूनिट एट में पिछला जो वीडियो आया था उसमें साइटोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पूरे डिस्कस कर लिए जा चुके थे अब उसमें एक तो जीन वाला पार्ट बचा हुआ है अपना और यहाँ पर फिर जेनेटिक्स और ब्रीडिंग क्या है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करना है जेनेटिक्स में हम अपन आगे चलें उससे पहले जो प्लांट्स हैं उनके बारे में एक खासकर उनका जो फ्लावर है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए आपको जैसे कोई एक अगर फ्लावर है तो उसके दो पार्ट होते हैं एक उसमें है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे बोलते हैं गायनोसियम और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है एंट्रोसियम इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है बस आपको इतना समझना है कि ये एंड्रोसियम है उसके तीन पार्ट होते हैं इसमें ऊपर का पार्ट है एंथर फिर होता है कनेक्टिव जो इसे फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है एक टाइप से ग्लू टाइप की बीच का रीजन है अब ये जो एंथर है यहाँ फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का यानी कि किसका है पोलन का और ये पोलन यहाँ से कोई भी मीडियम हो सकता है इंसेक्ट हो सकता है हवा हो सकता है उसके थ्रू ये यहाँ से जाएंगे इस पर गायनोशियम जो है उसका जो ऊपर का टॉप पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा तो ये ग्रेन है वो एंथर से उड़ के स्टिग्मा तक जाते हैं ये जो उड़ के जाने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं पोलिनेसन अब ये जो पॉलिनेशन है ये टर्म आपके काम का है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं यानी कि पॉलिनेशन के टाइप बेसिकली पॉलिनेशन दो टाइप का है एक खुद का यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या दूसरा दूसरे फ्लावर मतलब दूसरे प्लांट से जाके करें तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कि अगर ये फ्लावर है ये प्लांट है ए और दूसरा प्लांट है बी अगर इस प्लांट की जो ग्रेन है इस प्लांट के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से उड़ के जाए चाहे हवा से जाए या कोई इंसेक्ट के थ्रू जाए और प्लांट बी के किसी फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे तो उसे बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन दूसरा अगर इस प्लांट के पोलन ग्रेन उड़ के इसी प्लांट को कार्पल को पॉलिनेट कर दें तो उसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेसन अब सेल्फ पोलिनेशन के यहाँ दो टाइप हो सकते हैं वो खुद के ही प्लांट को कर रहा है लेकिन या तो वो अपने ही जिस फ्लावर का वो पार्ट है उसी के गायनोशियम को कर रहा है या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के गायनोशियम को कर रहा है अगर खुद ही सेम फ्लावर उसी को कर रहा है तो उसे बोलेंगे ओटोगेमी और अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर को कर रहा है तो उसे बोलेंगे जी टोनोगी ये कई बार पूछा जा चुका है ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है स्टार लगा लेना है जितने लगा सको तो इस टाइप से ये पॉलिनेशन है उसके दो है एक सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा क्रॉस पॉलीनेशन और सेल्फ का है ऑटोगेमी और जी जेनेटिक्स की शुरुआत होती है ग्रेगर जॉन मैंडल के वर्क से ये थे ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक कंट्री है ये लगभग अठारह के आसपास थे तो अब क्या है ये थे पादरी तो पादरी में क्या है कि जो भी अपना चर्च का काम है सुबह शाम का उसके बाद पूरा दिन खाली रहा तो इनके पास जो चर्च से जुड़ा हुआ जो गार्डन वाला एरिया था ये उसमें आराम से जाते थे और गार्डन में उगती थी गार्डन पी मतलब मटर ये स्वीट पी नहीं है ये गार्डन पी है तो ये वहाँ पर क्या करेंगे ये करने लगे वहाँ क्रॉसिंग का काम अब खाली आदमी कुछ तो करेगा ही तो ये क्या करते थे उनने गार्डन पी में देखा कि दो टाइप के फ्लावर हैं एक सफ़ेद कलर के दूसरे पर्पल कलर के तो ये क्या करते थे कि वहाँ पर जो वाइट कलर का फ्लावर था उसके एंथर को कट कर दिया और इसके पो मीन्स इसके पोलन ग्रेन कलेक्ट किए और इसके पास इसके एंथर हटा दिया और इसके साथ पोलन ग्रैन से इसे फर्टिलाइज कर दिया इसे हटा क्यों दिया क्योंकि इनके करने के बाद कहीं ये पोलिनेट ना कर दें और फिर इसे बांध दिया कि कहीं बाहर से पोलन ग्रहन ना आ पाए तो इन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया पोलिनेसन अब पॉलिनेशन के बाद इन्होंने देखा कि जो इनकी फ़र्स्ट जनरेशन आई मतलब पॉलिनेशन हो गया तो उसमें सीड बनेंगे सीड आएंगे तो बड़े होंगे और फिर तो उन्हें जब उगाएंगे तो जो भी प्लांट्स आए वो सब के सब कैसे हुए पर्पल कलर के सभी प्लांट पर्पल कलर के हो गए चलो उन्होंने बोला ठीक है भाई पर्पल के उग रहा है कोई दिक्कत नहीं है बट ये अपने काम को ले गए आगे उन्होंने ये पर्पल कलर की प्लांट है उसको सेल्फ पॉलिनेट किया सेल्फ पॉलिनेशन मतलब चाहे वो ऑटोकेमी हो या जीटेनोगी हो मैन मुद्दा है कि इस प्लांट के जो जीन है वो इसी के इसी के पास रहेंगे किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रहण नहीं आने दिए तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन मिली जिसे बोलते हैं एफ टू जनरेशन या फीलियल सेकेंड उसमें इन्हें मिले 75 परसेंट पर्पल प्लांट और पच्चीस परसेंट वाइट प्लांट अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये वाइट कलर आ कैसे गया वाइट कलर तो केवल यहाँ था जब फर्स्ट जनरेशन आई तो वाइट कलर गायब हो गया और उसी की जब सेकेंड कलर आ रही तो ये वाइट कलर दोबारा से आ गया तो आखिर ये हो क्या रहा है तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो यहाँ लोचा है कुछ ना कुछ यहाँ लक्षण है जो पर्पल के साथ पहले एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे बाद में ये एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये जो लक्षण थे इनको उन्होंने एक टर्म दिया जिसे बोला गया एलिमेंट्स इस टाइप से इन्होंने जो गार्डन पी है उसमें सात टाइप के लक्षण पकड़े जिसमें जैसे प्लांट है उसकी हाइट देख लिया फिर फ्लावर है उसका कलर और उसकी पोजीशन क्या है फल के बाद क्या वो फ्लावर के बाद बनेगा फल यानी कि पॉड उसका सेप क्या है कलर क्या है और उसके बाद आएगा सीड उसका सेप क्या है और कलर क्या है उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ होते हैं रिसेसिव डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके घर में दो भाई हों एक बड़ा है सपोज टी और दूसरा छोटा है स्मॉल जब ये दोनों होंगे तो हमेशा बड़े वाले की ही चलेगी ये है डोमिनेंट टी वाले की जब भी टी कैपिटल टी रहेगा तब तक स्मॉल टी की कभी एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा स्मॉल टी की कब चलेगी जब ये स्मॉल टी अकेला हो तो इस टाइप से इन्हें दो कैरेक्टर समझ लिए कि एक होता है डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव और ये हर जगह मिलेगा अगर प्लांट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसे उन्होंने कैपिटल टी से शो किया और जो रिसेसिव है उसे स्मॉल टी से कर दिया तो इस टाइप से इन्होंने सेवन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया इन्हें बोलते हैं मैंडिलियन कैरेक्टर इसे याद रख लेना कि मैंडलियन कैरेक्टर कौन कौन से ये भी पूछे जा चुके हैं अब इन्होंने जो मंडल भाई साहब थे ये आगे गए जैसे अभी आप उन्होंने देखा कि इन्होंने टाल को डॉर्क के साथ क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में सभी टाल मिले क्योंकि टाल डोमिनेंट था लेकिन जब सेकंड जनरेशन आ गई तो वहाँ पर तीन यानी कि पचहत्तर परसेंट टॉल मिलेंगे और पच्चीस परसेंट यानी कि एक प्लांट मिलेगा डॉर्फ ये रहा उनका फिनोटाइप क्योंकि ये जो ऊपर से देख पा रहे थे वो फिनोटाइप मतलब जो बाहर से एक्स जो कैरेक्टर शो होता है उसे देख रहे थे ये ये रहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब मैंडल ने एक कैरेक्टर को लिया यानी कि ये केवल प्लांट की हाइट को लेके चल रही एक ही कैरेक्टर लेके चल रहा है तब इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये हो क्या रहा था वो से थोड़ा समझ लेते हैं ये जो टाल ट्री था इसे यहाँ लेते हैं टाल है यानी कि ये डबल जीन का होगा तो ये होगा कैपिटल टी कैपिटल टी डॉर्फ जो है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी जब इसको आगे इसकी स्लाइड में अपन गैमिट फॉर्मेशन समझेंगे तब ये बनेंगे इसके दो गैमिट टी और कैपिटल टी का और इसका स्मॉल टी का और स्मॉल टी का दो गैमिट बनेंगे और जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो कोई ना कोई कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैमिट से एक नई जनरेशन आएगी एफ वन वो कैसी भी आ सकती कैपिटल टी सी स्मॉल टी से या इससे भी ओके ये आएगा तो तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा तो इस वजह से यहाँ के सभी क्योंकि टी डोमिनेंट था तो सभी के सभी प्लांट एफ वन में जो भी बने सबके सब, सब हाइट के थे सबके सब टॉल सब थे लेकिन जब हमने इनकी सेल्फ पॉलिनेशन किया यानी कि एफ़ टू में जो टी स्मॉल टी वाले जो प्लांट थे इनके जब फिर गैमिट बनेंगे तो वो बनेंगे टी और टी और दूसरा जो इसका फ्लावर होगा उसका भी कैपिटल टी होगा तो ये जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी small टी स्मॉल टी, टी तो क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी थी तो ये तो टॉल ही होना चाहिए यहाँ पर दोनों में एक कैपिटल टी कैपिटल टी है तो ये भी टॉल होगा लेकिन यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है यानी कि यहाँ कैपिटल वाली डोमिनेंस नहीं हार रही है इसलिए ये जो प्लांट है वो ड्वार्फ जो कैरेक्टर है वो शो कर देगा तो ये कहाँ हो रहा है ये कर रहा है एफ टू जनरेशन में तो इन्होंने दो टाइप की क्रॉसिंग की एक तो है मोनोहाइब्रिड जहाँ एक कैरेक्टर को लेके चले दूसरा है डाई हाइब्रिड जहाँ दो कैरेक्टर को लेके चले फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने सीट का ले लिया कि एक तो राउंड है मतलब सही से गोल और दूसरा सरिंक है यहाँ दो कैरेक्टर लेंगे एक है कल, कलर के लिए ले लिया येलो और इसके शेप के लिए ले लिया राउंड येलो एंड राउंड तो उसके हिसाब से दो कैरेक्टर को लेकर चलेंगे इसका जो पहली जनरेशन आएगी जिसमें इसका जो जब इनके गेमिट फॉर्मेशन होगा तो दोनों से एक एक कैरेक्टर आ जाएगा वाई और आर और इनका कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये गेमिट फॉर्मेशन कैसे है एक बार जब आप लास्ट में पहुंचोगे और गैमिट फॉर्मेशन समझ लोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर ट्राई हाइब्रिड मतलब तीन कैरेक्टर इस टाइप से लेकर के ये चले और फिर उन्होंने एनालाइज किया तो उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पहुँच रहे लेकिन इनका क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो इनकी किसी ने बात सुनी नहीं इनकी बाद में इनकी डेथ के लगभग चालीस साल बाद तीन साइंटिस्ट थे जो अलग अलग काम कर रहे थे और तीनों ही एक डिसीजन पर पहुंचे कि हाँ इस टाइप की चीज़ें होती हैं और जब ये तीनों ही अपने रिसर्च को कंक्लूड करने पहुंचे तब इन्हें पता पड़ा कि भाई इनने जो रिसर्च की जो मेहनत की इनकी मेहनत से 40 साल पहले ही कोई बंदा करके चला गया तो इस टाइप से इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया ये कौन थे ये हैं कार्ल कोरेंस ह्यूगो डिब्रिज और श्रीमार्क इनकी डिस्कवरी के बाद ही मेंडल जी पॉपुलर हुए और इसके बाद फिर ये जेनेटिक्स का काम है वो आगे बढ़ा फिर यहाँ इनके बाद फिर बैट्सन वगैरह आते हैं तो बैट्सन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्योंकि जेनेटिक्स में जो सबसे पहले काम किसने किया मेंडल ने तो उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कौन है फादर मेंडल है उन्हें बोलते हैं फादर लेकिन मॉडर्न फादर की बात की जाए मॉडर्न फादर ऑफ़ जेनेटिक्स वो है अपने डब्ल्यू बैटसन इनने बहुत ज़्यादा काम किया जो टर्म है जेनेटिक्स वो भी ये बैटसन ने ही दिया तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स क्या है तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ये टाइप की जो हेरिडिटी और वेरिएशन होती इनकी है इनकी स्टडी करते हैं अब टर्म आते ही हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है दोनों टर्म को समझ लेते हैं आपके ग्रैंडफादर थे उन्होंने सपोज उनके बाल थे वो सफ़ेद होते थे एक चालीस साल के बाद ही उनके बाल सफ़ेद होने लगते थे उनके बाद आपके फादर आए तो इनके भी बाल जो हैं वो अस्सी साल के बाद सफ़ेद सफ़ेद नहीं होंगे वो भी चालीस साल के बाद ही सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे और आप आए तो आपके साथ भी वही कैरेक्टर शो होगा मींस क्या है कि आपकी जो जनरेशन है वो एक से दूसरे को जो जीन है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस टाइप से जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर करने कोई बोला जाता है हैरी हैरी डिटी या हैरी दूसरा होता है टर्म वेरिएशन वेरिएशन मतलब विभिन्नता है अलग अलग अब वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया जा चुका है एक होता है सोमेटिक वेरिएशन जैसे आप यहाँ राजस्थान में रहते थे और आप कल लद्दाख पे या तिब्बत वाले रीजन में ड्यूटी करने के लिए चले जाते हो चार मंथ रहोगे तो वहाँ पर लो प्रेशर है लो प्रेशर में आपके ब्लड में आर की नंबर बढ़ जाएगी लेकिन जो आर में आपके नंबर बढ़ रही है ये टेम्प्रेरी है परमानेंट नहीं है अगर वहाँ से सिक्स मंथ बाद आप आर्मी की जॉब से वापस घर आ जाते हो तो वो आर का जो नंबर है आपके ब्लड में वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये जो चेंज हो रहा है ये केवल फिजिकल चेंजेस है सोमेटिक चेंज है ये परमानेंट चेंज नहीं है दूसरा चेंज है जेनेटिक जो आपके जीन के अंदर हो गया जो आपके क्रोमोसोम के अंदर हो गया ये जो चेंज होता है वो ऑलमोस्ट परमानेंट ही हो सकता है और continue, मतलब डिसकंटिन्यू हो सकता है ये इसके साथ दोनों चीजें कंटिन्यूस मतलब जब आप ये जो करेक्टर आपके जीनोटाइप में जो भी चेंज हुआ है अगर वो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हो आप अपने बच्चों में आ जाता है तो यह है कंटिन्यूस कैरेक्टर एक इसका एग्जाम्पल ले लो जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो न्यूक्लियर बम फोड़ा था उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रेडिएशन था उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन जो कॉन्टैक्ट में आ गई उनकी जीनो में हो गया म्यूटेशन मतलब वेरिएशन अब वो म्यूटेशन वो तो ठीक है जो भी हुआ उनके साथ लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो वेरिएशन उनके जीनोटाइप में जो आया वो एक टाइप से थोड़ा परमानेंट टाइप का आ गया तो कुछ कैरेक्टर जो थे वो उनकी अगली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो गए वो जो वेरिएशन हुआ वो है कंटिन्यूस वेरिएशन लेकिन उनके ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जो ये रेडिएशन की वजह से हुए थे उनमें वो उनकी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुए जैसे कि उनको दिखने की दिक्कत आना या टीलोमियर का डैमेज हो जाना जिससे वो टीलोमेर जो उनका था वो छोटा हो गया उससे उनकी डेथ जल्दी हो गई लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो अगली जनरेशन को नहीं पहुंच पाया तो इस टाइप से जो जेनेटिक वेरिएशन है वो डिसकन्टिन्यू भी हो सकते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि दो चार जनरेशन के बाद वो कैरेक्टर गायब हो जाता है तो जेनेटिक वेरिएशन दो टाइप से हो सकते हैं कंटिन्यूस और डिस्कंटिन्यूस तो जेनेटिक्स क्या है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अपना कभी एक मैन प्लांट रहा होगा इसी मैन प्लांट से धीरे धीरे करके कॉलीफ्लावर ये अपना पत्ता फूल गोभी है ये ब्रोकॉली है ये फूल गोभी है ये अपना कैबेज है पत्ता गोभी है और भी ये चार पांच है तो ये सभी के सभी कभी ना कभी अपने एक ही प्लांट से निकले हैं वो है अपना सरसों का पेड़ कभी उसी टाइप का कोई प्लांट रहा होगा जिससे ये सारी चीज़ें बनी हैं बस ये है कि इनके बीच में जो वेरिएशन थे वो एक टाइप से धीरे धीरे करके परमानेंट हो गए और वो बहुत एक दूसरे से बहुत लंबे चले गए तो इस टाइप के वेरिएशन आ गए और यानी कि जो वेरिएशन है वो हैरिडिटरी हो गए परमानेंट वेरिएशन हो गए अब आगे बढ़ने से पहले जेनेटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसे समझना बहुत ज़रूरी है उसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज है तीन टर्म के क्रोमोसोम क्या है डी क्या है और जीन क्या है तो इनमें सबसे पहले समझते हैं क्रोमोसोम क्या है आपको साइटोलॉजी में बता चुके थे कि जो अपना न्यूक्लियस था उसके बीच में ये क्रोमोसोम था क्रोमोसोम के ये इस टाइप के दो स्ट्रैंड थे इन स्ट्रैंडों को बोलते हैं क्रोमेटेड ये ध्यान रखो इसको क्या बोलेंगे क्रोमेटेड अब क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटेड होते हैं और दोनों एक से होते हैं जो जीन यहां होंगे वही जीन इसपे होंगे बिल्कुल दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं इसलिए इन्हें बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटेड सिस्टर क्रोमैटेड ये ध्यान रखना कि सिस्टर क्रोमेटेड क्या होते हैं अब ये जो क्रोमेटेड है ये क्या होगा जैसे एक डंडा सा है दूसरा है ये बीच में जुड़े होते हैं जुड़े किसकी वजह से होती है एक बॉडी होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रोमियर यानी कि गांठ होती है उस गांठ के थ्रू ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे बोला जाता है सेंट्रोमियर तो ये तो रही एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो एक क्रोमोसोम में क्या होगा एक तो होगा उसका ये क्रोमेटेड दूसरा ये दोनों क्रोमेटिड्स सेंटर में जुड़े होंगे जिसे बोलेंगे सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर में यहाँ पर कुछ फिलामेंट सी चीज़ें होती हैं जिन्हें बोलते हैं कायनेटो ये है, जब इनका जो सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे इन्हें आपस में बांटने में एक एक दूसरे से दूर खींचने में ये फिलामेंट जो है रस्सी सी जो है ये काम करते हैं और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टीलोमियर टीलोमियर जो इनके टीले पर है यानी कि जो एंड पे है ये टीलोमेर बहुत काम की चीज़ है क्योंकि यही जो टीलोमियर है ये हेल्प करती है इस डीएनए को ब्रेक होने से बचाने में टूटने फूटने से बचाने में अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि आखिर ये क्रोमोसोम्स के टाइप कैसे होते हैं तो जो इसकी सेंट्रोमियर की लोकेसन है उसके हिसाब से अपन जो क्रोमोसोम्स हैं उनको टाइप कर देते हैं डिवाइड करते हैं एक जब ये पूरे के पूरे जैसे सिस्टर क्रोमेटेड हैं दोनों के दोनों तो ये जो क्रोमेटेड है उसके बीच में है जिसकी एक आर्म और दूसरी आर्म दोनों आर्म बराबर हों तो इसे बोलते हैं मेटा सेंट्रिक अब अगर ये बिल्कुल बीच में ना होकर के बीच से थोड़े से खिसके हुए हैं तो इसे बोलते हैं सब सेंट्रिक। अगर ये थोड़े और आगे चले गए तो इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक या फिर अगर ये टीलोमियर है ये किसी क्रोमेटेड के बिल्कुल एंड पे है तो इसे बोलेंगे टीलोसेंट्रिक अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पर कि अपने लिए ये सेंट्रोमियर का क्या हेल्प है क्योंकि जब ये सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जब एक साइड से दूसरी साइड मूव करते हैं जैसे मैंने बोला था कि क्रोमोसोम सेल डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम जो यहाँ पर आ जाते हैं आधा इधर मूव करेगा आधा इधर मूव करेगा तो ये जो मूव करते हैं जो खींचे जाते हैं एक दूसरे से अलग अलग तो वो ये सेंट्रोमियर से ही खींचे जाते हैं तो क्रोमोसोम्स के टाइप समझ में आ गए अब क्रोमोसोम की आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर हो जाते हैं तो कभी जब सेकेंड इस टाइप का सेंट्रोमियर आ गया तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन अब जो क्रोमोसोम है वो तो आगे भी चल रहा होता है बीच में मिल गया तो ये जो बीच में जो एक्स्ट्रा लगा होता है इसे बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम ये टर्म याद रखना कि सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्या होता है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है सिस्टर क्रोमेटेड या क्रोमेटेड क्या होता है सेंट्रोमियर क्या होता है यहाँ पर जो आपने टीलोमियर बोला उसका बहुत इंपॉर्टेंस है उसे बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है जैसे आपको यहाँ पर बता दिया कि अपने क्रोमोसोम्स वगैरह की स्ट्रक्चर है और इसमें टीलोमियर जो होता है वो एंड का पार्ट है टीलोमियर जैसे जैसे सेल टाइम के साथ चलती है जैसे आप बचपन में जब आप छोटे थे तब आपकी जो क्रोमोसोम रहा होगा उसका टीलोमियर जो है वो बिल्कुल सही होगा लेकिन आपकी एज के साथ साथ जैसी एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे समय के साथ क्योंकि सेल तो डिवीज़न हमेशा चलता ही रहता है तो ये जो टीलोमियर है धीरे धीरे छोटा होने लगता है घिसने लगता है और जैसे ही टीलोमियर एक टाइम पे जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये डीएनए को यानी कि जो क्रोमोसोम है उसको बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगना है और क्रोमोसोम बर्बाद हो गया मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी थी वो घुल गई ख़त्म हो गई और जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो देश को कौन गवर्न करेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा उथल पुथल हो जाएगी और लोग डेथ कर जाते हैं तो जो टीलोमियर का घुलना है इसे बुढ़ापे से जोड़ा जाता है इन फ्यूचर में ऐसा काम चल रहा है कि टीलोमियर को अगर हम घुलने से रोक लें तो सेल की इंटीग्रिटी बनी रहेगी मतलब इंसान की जो आयु है एज है उसे 150 या 200 तक भी पहुंचाया जा सकता है अब यहाँ पर अपना क्रोमोसोम से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई कि, कि क्रोमोसोम या क्रोमेटेड क्या होती है सेंट्रोमियर टीलोमियर ये टर्मोलॉजी आपको याद रखना है अब अपना आएगा पार्ट सेकेंड वो है डी और फिर तीसरा पार्ट देखेंगे जीन आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दी गई थी ये है यहाँ पर आपको जो सेंट्रोमियर बताया था यह क्या है पूरा पूरा डीएनए सी की क्वालिंग से बना है तो ये क्या है यह है अपना डीएनए अब आपको इस डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है कि आखिर ये डीएनए होता क्या है देखो डीएनए होता है क्वाइल्ड डबल क्वाइल्ड इससे पहले डीएनए के बहुत सारे मॉडल आए बाद में वाटसन और क्रिक ने इसका एक मॉडल दिया था जिसे बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ये याद रख लेना कि डबल हेलेक्स मॉडल किसने दिया वो दिया वाटसन एंड क्रिकनर इन्होंने जो डीएनए बताया उसे बोलते हैं बी डीएनए या तो डीएनए बोलेंगे या बी डीएनए क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन है इसके अलावा भी डीएनए के तीन चार टाइप और भी होते हैं अब इसमें होता क्या है इन्होंने क्या बताया इन्होंने बोला कि डीएनए क्या होता है कि यहाँ पर दो अपनी जैसी सीढ़ियां नहीं होती हैं इस टाइप के दो स्टैंड होते हैं एक स्टैंड ये रहा और दूसरा स्टैंड ये रहा बोला ये जो इस टेंड हैं ये बीच में जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके थ्रू आपस में जोड़े होते हैं यानी कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी सीढ़ियां हैं और जो क्वाल कर गई हों, आपस में एक दूसरे में गुथ गई हों। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो चौड़ाई है वो होती है बीस एंगस्ट्रॉम और एक क्लिंग से लेकर के नेक्स्ट क्वलिंग तक मतलब पूरे एक सर्कल का क्योंकि ये घूमेगी ऐसे होकर के वहाँ तक सेम पॉइंट तक पहुँचेगी तो इसका जो लेंथ है वो होती है थर्टी फोर एंग स्ट्रॉन्ग ये बात समझ में आके अब ये बनेगा क्या बीच में नाइट्रोजन बेस अब ये डीएनए बना किसका होता है तो पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया वो है वाटसन एंड क्रिक ने सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है या इन्होंने जो डीएनए दिया वो कौन सा है वो बी डीएनए है एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है वो होती है थर्टी फोर एंगोस्ट्राम ये एक हेलिक्स की लंबाई पूछी जाती है पूरी डीएनए की लंबाई किसी को नहीं पता और इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो है बीस एंगस्ट्रॉम अब इसमें स्ट्रक्चर में और क्या पूछा जाता है इसका जो स्टैंड है वो बना होता है फॉस्फोरस यानी कि पेंटोज पेंटोज सुगर और फॉस्फेट का ये फॉस्फेट और पेंटोज शुगर तो बनाते हैं स्टैंड और ये जो एक स्टैंड है जैसे कि ये एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है ये दोनों बीच में जुड़े होते हैं नाइट्रोजन के बेस से और नाइट्रोजन के बेस कौन कौन से होंगे डीएनए में होते हैं ए टी जी सी और यही अगर आर एन ए होगा तो उसमें थायमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल यू आ जाता है आपको क्या याद रखना है इसमें एक तो डी एन ए के डी एन क्या होता है डी एन होता है एडिनिन थाइमिन गुआनिन और साइटोसिन ये चार नाम है ए टी जी सी अगर आर एन ए की बात की जाए इसे लिख लेना ये चारों किस्में होंगे ये होंगे डी एन ए में जबकि यही अगर आर एन ए होता है आर एन ए तो आर एन ए में एक ए है टी की जगह आ जाता है यू और जी और सी तो रहेंगे ही रहेंगे तो ये इनमें ये एक मेजर डिफरेंस है दूसरी बात जो जिस पर क्वेश्चन आता है ए और टी के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं तो ये बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सी और जी के बीच में कितने बॉन्ड है ए टी के बीच में कितना है दूसरा आपसे ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन बेस है वो डी एन ए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है या आर एन ए में कौन कौन सा होता है ये कौन सा नाइट्रोजन बेस डी एन ए में नहीं होता तो डी एन ए में क्या नहीं होगा यू वाला यानी कि यू तीसरा यहाँ पर एक पिक्चर में और दिख रहा होगा यहाँ ये लिखा होगा न्यूक्लियोटाइड तो तीन स्ट्रक्चर हैं पेंटोज सुगर फॉस्फोट और ये जो नाइट्रोजन बेस इन तीनों को मिला करके बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड और अगर इसमें फॉस्फेट है उसे निकाल दो तो बचेगा न्यूक्लियोसाइड ये रहा अपना डीएनए की स्ट्रक्चर अब डीएनए के बाद आपने यहाँ पर ये देखा कि जैसे सेल है ये अपना क्रोमोसोम है वो मिलकर बना है डीएनए से अब डीएनए तो एक लंबी सी स्ट्रक्चर है लेकिन डीएनए में जो बेस है ये एक टाइप की कोडिंग है जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कोडिंग होती है उस टाइप की इसके डीएनए का एक पर्टिकुलर लंबाई किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को गवर्न करती है रूल करती है जैसे डीएनए का डीएनए का ये वाला इतना लंबा स्टैंड मान के चलो किसी के बाल के कलर को या बाल की जो क्वाइलिंग है उसको गवर्न करता है तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड जो डीएनए का स्टैंड है उसे बोला जाता है जीन ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब अपन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या है इन्हें जीन को इस टाइप से शो कर दिया जाता है ये मान के चलो आप बारहवा नंबर का कोई क्रोमोसोम है तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपका ये हाइट का जीन यहाँ पर है वेथ का ये है कोई और जीन यहाँ पर है इस टाइप से अपने जो बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो ये जीन गबन करते हैं यहाँ एक बात और याद रखनी है कि ये दोनों क्या है ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटेड इन्हें क्यों बोलते हैं कि अगर आपकी हाइट के जीन अगर इस पे इस पोजीशन पे है आपकी हाइट का जीन तो उसकी क्रोमेटेड पे यहाँ पर भी हाइट का ही जीन होगा नेसेसरी नहीं है लेकिन यूजुअली दोनों पे सेम होते हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसे समझ लेते हैं जैसे जब मैंडल भाई साहब ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो वो जो कैरेक्टर जो एक दूसरे में घुस रहे थे उसको उन्होंने क्या टर्म बोला था एलिमेंट जिसको बाद में जॉनसन ने इसको टर्म दे दिया जीन दूसरा टर्म आता है एलील। जैसे मैंने बोला कि आपकी हाइट का, का जो जीन है वो इसके एक क्रोमोसोम पे और दूसरे सिस्टर क्रोमेटेट पे भी ये हाइट का ही होगा तो यानी कि आपके एक क्रोमोसोम में आपकी एक कैरेक्टर की दो कॉपी होती हैं। यही एक टाइप से एक बैकअप का भी सिस्टम रहता है हमेशा से सेल के पास तो नहीं कैसे शो करेंगे मान के चलो आपके पास जैसे प्लांट की बात थी वहाँ पर टाल और इस्मा की बात थी तो आपके पास क्या हो सकता है कोई प्लांट उसके पास दोनों ही सिस्टर सिस्टरक्रोमेट्रेट पर उसकी हाइट के लिए टी और कैपिटल टी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक पर कैपिटल टी हो और दूसरे में स्मॉल टी का जीन हो या दोनों ही स्मॉल टी के हों तो इस टाइप से अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं फिर हम उन्हें बोलते हैं एलील यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ये एलील कई बार पूछा जा चुका है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मतलब एक पे जो जीन है उसका अल्टरनेटिव जो है दूसरी जो उसकी कॉपी है जो बैकअप है उसे बोलते हैं एलील और वो भी बिल्कुल सेम लोकेशन लोकाई मतलब सेम पोजीशन अगर इसकी यहाँ से नीचे से डिस्टेंस मेजर करोगे तो दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी सेम हाइट पे होंगे तीसरा आएगा होमो जाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म तो जैसे यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल ये क्या है होमोजाइगस मतलब दोनों सेम है होमो है यहाँ स्मोल्टी स्मॉल टी भी होमो है हेट्रो का मतलब दोनों अलग अलग है तो ये है हैट्रोजाइकस मतलब डिफरेंट फैक्टर दोनों फैक्टर अलग अलग हैं या दोनों फैक्टर समान है जीनोटाइप और दूसरा है फिनोटाइप गैमिट फॉर्मेशन गैमिटोजनेस कैसे होता है सिंपल वे में समझ लेते हैं इंसान से ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा कि जैसे फीमेल है और मेल है हमारे अंदर क्या होता है 46 सिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे बोलते हैं 22 टू प्लस एक्स वाई यानी कि 23 पेयर अब अगर मेल है तो उसके पास क्या होगा 22 टू प्लस एक्स वाई और फीमेल है तो उसके पास होगा 22 टू प्लस एक्स एक्स अब फीमेल भी गैमिट बनाएगी और मेल भी गैमिट बनाएगा फीमेल के गैमिट क्या होंगे इनके होंगे जैसे कि यहां पर है इनके पास आ, फ़ोर्टी सिक्स और यहाँ पर भी फोर्टी सिक्स थे तो यहाँ पर क्या होंगे ये बनेंगे ट्वेंटी टू प्लस एक्स और ट्वेंटी टू प्लस एक्स दो गैमिट बने फीमेल के मेल के क्या बनेंगे ट्वेंटी टू प्लस एक्स और ट्वेंटी टू प्लस वाई क्योंकि इनके पास जो भी गैमिट होते हैं वो आधे आधे होंगे मैंने आपको बोला था समसूत्री विभाजन होगा इनके यहाँ तो इनकी कितने हैं हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए 46 सिक्स क्रोमोसोम या 46 सिक्स क्रोमेटेड अब क्या होगा कि गैमिट फॉर्मेशन होगा तो मेल वाले में होंगे 23 फीमेल वाले में होंगे 23 जब इनके बीच में आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा उसमें वापस कितना हो जाएगा 46 क्योंकि आधे मेल पेरेंट्स से आए आधे फीमेल पेरेंट्स से आए तो जो नई ऑफ स्प्रिंग होगी नई जनरेशन होगी उसके पास तो होंगे 46 ही ये समझ में आ गया होगा गैमिट फॉर्मेशन तो हम लोग जो होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड टू एन क्योंकि अपने पास दो कॉपी होती है इनकी ऐसी प्लांट में चलेगा जहाँ आपको बोला था कि यहाँ पोलिन ग्रहण है और यहाँ पर ओवरी है वो भी आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे उनका भी सेम प्रोसेस उसी में चलेगा ना पोलिनेशन देखो गैमीट तो बन गए जैसे यहाँ पर बोला आपके गेमीट यहाँ पर बन गए प्लांट में भी यहाँ पर ओबरी में एग बने होगा और यहाँ पर पोलन ग्रहण बने होंगे लेकिन गमिट के बाद इनके बीच होगी क्रॉसिंग फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा कि जैसे एंथर है पोलन ग्रहण है वो हवा में उड़ करके जाएंगे और यहाँ पर इसकी जो ओबरी है वहाँ स्टिकवा पर पहुँचेंगे बाद में यहाँ ओबरी तक आकर के उसे फर्टिलाइज करेंगे और इसकी रिजल्ट होगा एक नया सीड बनेगा जो एक आगे जाके एक नया प्लांट बना लेगा तो ये जो पॉलिनेशन है वो अपने लिए मतलब था इसी स्टार्टिंग में देख रखा था लेकिन अब उसे और सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे पॉलिनेशन है एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होगा एक है ऑटोगैमी और दूसरा है जीटोनोगैमी याद रखना ये कई बार पूछा जा चुका है सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर को पॉलीनेट करना वो है जीटोनोगी और क्रॉस पॉलिनेसन को बोला जाता है जीनोगैमी क्योंकि इसका जीन अलग है और इसका जीन इसका जीन अलग है दोनों अलग अलग प्लांट है तो इस प्लांट से इस प्लांट पे जाते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेसन हो रहा है लेकिन वो एक अलग जीन पे जा रहा है इसलिए उसे बोलते हैं जीनोगैमी अब वो जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि अगर हवा से जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे एनिमोफिली मैंने बोला था कि पॉलिन ग्रहण के लिए टर्म यूज़ करते हैं अब फिली और सीट डिस्पर्सन के लिए यूज करते हैं चोरी तो विंड से जा रहा है तो एनिमोफली वाटर से तो हाइड्रो अगर उसे इंसेक्ट कर रहे हैं तो एंटेमो बैट यानी कि चमगादड़ कर रहा है तो चीरेप्टेरो स्नेल कर रहा है तो मरमैको मेलेको और ये बर्ड्स कर रहा है तो ऑर्निथोफली ये टर्म जो थे इन्हें याद रखना ये इम्पोर्टेंट है अब अपना आता है अगला टर्म वो है हाइब्रिडाइजेशन देखो अपन ने तीन चीज़ें बनी पहले मैं बनाए गैमेट, फिर अब ये मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है इसका पहले में क्या बनाया गैमेट, दूसरा काम किया हमने इनके पॉलिनेशन का काम अब हमें इनके बीच में क्या करनी है क्रॉसिंग वो है अपना हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर तो जो मेंडल भाई साहब जो कर रहे थे टॉल ट्री के डॉर्फ के साथ जो क्रॉसिंग कर रहे थे तो सभी टॉल मिल रहे थे फिर उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन में सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे थे तो उन्हें तीन टॉल और एक शॉर्ट मिल रहा था तो ये क्या कर रहे थे ये कर रहे थे क्रॉसिंग हमें क्या क्रॉसिंग का इम्पोर्टेंस है जैसे कि अपने फॉरेस्ट ट्री है एक ट्री है जिसका बोल बहुत क्लीन है बहुत अच्छा बोल बनाता है लेकिन वो जो टिड्डी अटैक है उसमें नहीं झेल पाता दूसरा पेड़ है उसके बोल अच्छा नहीं है लेकिन उसका टिड्डी अटैक पे पेस्ट से रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है तो क्या करेंगे इन दोनों की ब्रीडिंग करवा देंगे तो ब्रीडिंग से जो नया प्लांट बनेगा उसका क्या होगा कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी होगा और उसकी बोल भी क्लीन होगा हाइट भी अच्छी होगी तो इस टाइप से अपन जो ब्रीडिंग है यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी यूज करते हैं कहाँ कहाँ जैसे आपको कहीं अगर ईल्ड बढ़ानी हो रजिस्टेंस बढ़ाना हो मान के चलो कोई प्लांट था चालीस साल टाइम लेता था आपको उसका तीस साल में उसकी मैच्योरिटी यानी कि रोटेशन पीरियड पर लेके जाना हो उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था जिसे हटाना हो तो उसे कम टॉक्सिक वाले के साथ ब्रीडिंग करके उसके जो जीनो टाइप था उसे रिड्यूज कर दो उसकी क्वालिटी है क्वांटिटी है इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना हो आप बायोटिक स्ट्रेस जैसे कि अपने यहाँ बहुत सारी जो वीट हैं उन्हें साल्ट रजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए जैसे पंजाब में साल्ट की यानी कि सेलिनिटी की फोर यानी जो अपनी जमीन है उसमें सेलिनिटी का इशू है तो क्या करते हैं कि ऐसी वैरायटी जो समुद्र के किनारे उगती हैं वाइल्ड वाली जंगली वाली उनके जीन लेके आते हैं और इन्हें ब्रीडिंग करवा देते हैं या सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब सभी प्लांट एक साथ फ्लावर करें तो इस टाइप तो के बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके लिए हम ब्रीडिंग को यूज करते हैं अब एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं हम हाइब्रिड बिगर हाइब्रिड बिगर याटेंट टर्म है क्या होता है कि आप कहीं भी अपने पड़ोस में देख लेना आप जिस भी देखोगे जो पहली जनरेशन थी यानी कि जो पेरेंट्स थे ये रहा मेल ये रही फीमेल इनके बीच में क्रॉसिंग से जो एफ वन जनरेशन आई ये वाली है. ये थोड़ा आजकल ज़्यादा ही स्मार्ट है हद से ज़्यादा हो रखी है जो उधर चालीस साल वाले को कंप्यूटर चालू करना बंद करना समझ में नहीं आ रहा है ये दो साल के होते हैं और वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की कोडिंग पर पहुँच जाते हैं लोग यानी कि जो न्यू जनरेशन है यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसके पास कैरेक्टर क्या होना चाहिए सपोज कोई कैरेक्टर था लक्षण था इनके पास था उसके 50 परसेंट मेल से आए और 50 परसेंट फीमेल से आए इसके पास जो भी 100 कैरेक्टर हैं वो 50 मेल से आए 50 फीमेल से आए तो इसके जो कैरेक्टर हैं वो इन दोनों का मिक्सअप होना चाहिए ना कि इन दोनों के मिक्सअप से भी ज़्यादा लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये इसके जो कैरेक्टर होते हैं नई जनरेशन के वो मेल फीमेल दोनों से ही स्मार्ट है इसे बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस एक टर्म और है क्रॉसिंग से रिलेटेड है जिसे बोलते हैं बैक क्रॉस बैक क्रॉस में क्या होता है कि आजकल जब क्रॉसिंग का जो चल रहा है टैक्टिक काफ़ी ज़्यादा चल रही तो एक तो इम्पोर्टेंस जैसे मैंने आपको बताया अब आप उनको रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने में यूज करते हैं दूसरा क्या कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस भी किया जाता है तो बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि जैसे यूजअली जो मेल होता है उसका जो जिनोटाइप है वो रिसेसिव होता है और जो फीमेल है उसका जो जिनोटाइप होता है उसे डोमिनेंट ले चलते हैं इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो आएगी ऑफ ऑफ स्प्रिंग एफ वन जनरेसन बैक क्रॉस का मतलब हुआ है ऑफ स्प्रिंग का अपने ही पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग करवाना अब यदि आपने ये क्रॉसिंग मेल के साथ करवाई यानी कि आपने रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करवाई ऑफ स्प्रि ऑफ स्प्रिंग की ब्रीडिंग जो है क्रॉसिंग है वो रिसेसिव कैरेक्टर के साथ करवा रहा है तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस और अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ करवा रहा है तो उसे बोलते हैं आउट क्रॉस यहाँ ध्यान रखना आपके एग्जाम में बैक क्रॉस सिलेबस में दिया रखा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर बैक क्रॉस का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग का उसके पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाना अब बैक क्रॉस के दो टाइप हैं एक है टेस्ट क्रॉस और दूसरा है आउट क्रॉस आउट क्रॉस का मतलब होता है कि वो डोमिनेंट जो ऑफ जो पेरेंट है डोमिनेंट कैरेक्टर वाला उसके साथ क्रॉसिंग करवाना और टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है रिसशिप के लिए अब ये चीज़ें लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि यूजअली हमेशा फीमेल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है फीमेल के पास क्या होती है ओवरी तो ओवरी से ले लो ओ मेल के पास होता है टेस्टिस टेस्टिस से ले लो टी तो ये टेस्ट क्रॉस मतलब रिसेसिव कैरेक्टर मतलब मेल कैरेक्टर ओवरी मीन्स आउट क्रॉस मीन्स डोमिनट करेक्टर तो बैक क्रॉस की दोनों ही टर्म याद रखना है इनसे पॉसिबिलिटी अक्सर रहती है या तो आपसे बैक क्रॉस पूछ लेंगे कि क्या होता है या फिर टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस में से एक आध कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे अब यहाँ पर अपने सिलेबस का देखें तो यहाँ पर एक तो मैंडल समझ में आ गया कि वो मैंडल का वर्क वगैरह जो थी चीज़ें थी हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपस में उनके बीच में क्रॉसिंग वगैरह करना जिसमें अपना बैक क्रॉस वगैरह आ गया और एक हेटोसिस ब्रीडिंग यानी कि जो हाइब्रिड वगैरह या हेटोसिस बोलते हैं वो चीज़ें समझ में आ गई